शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बत्ती बुझा दी है उन दोनों ने। अब और क्या देखना है तुम्हें शिवांश? चलो सो जाओ, आ जाओ। ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों शास्त्र युक्त विधि द्वारा पति पत्नी हुए। रोहन, रोहन, कुछ देर के लिए लगा कि सपना देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वो पिलो हमको दे दो, सब लोग आते होंगे। हम रख देते हैं। नहीं तो हम रख देंगे।
दूसरी शादी की पहली सुबह मुबारक। मन तो हमारा भी बहुत था कि हम आपकी सेहत सजाते। खैर, चाय लेकर आए, पी लीजिए। और याद रखिएगा, आपकी कोख में हमारी अमानत है। शिवांश चाय। तुम्हारी नजर अभी भी वहीं पे भटक रही है। वो अब किसी और की पत्नी है, ये तो देख लो। वो तुम देखो, हम तो बस अपने बच्चे को देख रहे हैं। अब जाओ, दूसरी चाय लेकर आओ। अरे, चाय आ गई? किसे दी? शिवांश ने। रोहन, देखो हम तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं, हमारे रिश्ते में सिवाय निराशा की तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। ना हम कभी शिवांश को भूल पाएंगे और ना वो कभी हमें भूलने देंगे। शर्मनी, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवांश क्या करेगा या क्या नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, तुम्हें पढ़ने लिखने में परेशान नहीं करेगा। हमारी तुमसे भी यही गुजारिश है कि तुम अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का सोचो। वैसे चाय अच्छी है। रोहन, हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देख लेते हैं। अरे नहीं, रहने दो, हमें तो वैसे भी अपने घर चलना है। रोहन, लेकिन माँ माँ अकेले यहाँ इस माहौल में? धोने भी ले चलेंगे, बड़ों के साए की कमी तो उस घर में भी है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे माँ, आपको खटखटाने की क्या जरूरत है, आइए। जरूरत तो तुम दोनों को भी नहीं है हमारी चिंता करने की। माँ, लेकिन घर में सब लोग आपके साथ जो। तो क्या अपना घर छोड़कर दामाद के घर रहने चल दें? हट, बदले। लेकिन माँ। आंटी, वो आपका भी घर है और आप चाहें तो अपनी बेटी के साथ वहां कर रह सकती हैं। पहले आंटी नहीं माँ कहो।
और हाँ, वो हमारा भी घर है, हम आएंगे भी, लेकिन इस तरह से नहीं। यहाँ हमें क्या तकलीफ है, दो रोटी तो मिल ही जाती है। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? इंसान को सिर्फ दो वक्त की रोटी नहीं चाहिए होती है, मान सम्मान भी तो चाहिए होता है ना। और आप यहाँ अकेले रहेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा वहां। श्रवणी बेटा, बात को समझो, शिवांश की तबीयत अभी बहुत खराब है। वो भले ही हमसे नाराज हो, पर हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और हम आएंगे ना एक माँ की तरह, मिठाई और शगुन लेकर। अभी तुम अपने गृहस्थी पर ध्यान दो, हम ठीक हैं। तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ तैयार होकर, नहीं तो विदाई का मुहूर्त निकल जाएगा। सोलह सिंगार हो रहा है, यहाँ इतना बड़ा खेल हो गया आपकी बेटी के साथ, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? आपको पता भी है वहाँ शवनी की दूसरी सुहागरात हो गई, और हमारी देखो पहली सुहागरात भी नहीं हुई, और आप बैठ के अपने नाखून रंग रहे हो। रंगो रंगो, अच्छे से रंगो, आपको क्या, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम मर जाए उनको कुछ भी हो जाए। क्या हुआ, कुछ बको? हमारा मतलब कुछ बोलोगे? मम्मी क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे तुम कही थी हमसे उस दिन, तुम ही तो उंगली दिखाकर बोली थी कि हमारे बीच में आई तो बहुत बुरा होगा, इसलिए हम डर गए, चुप से एक किनारे बैठ गए, कुछ किए ही नहीं, हमको काम नहीं था तो नाखून रंगने बैठ गए। मम्मी मम्मी गलती हो गई हमसे, तो हम नहीं करेंगे, वादा करते माँ के से तो भी ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो करो ना मम्मी, कुछ करो ताकि शिवांश हमारा हो जाए, कुछ करो ना मम्मी। कर दिए क्या कर दिए? वो कहा है ना कि हमारे यहाँ दुल्हन को ना खाली हाथ विदा नहीं करते, उसकी खोइचा को पूरी तरह भर के भेजा जाता है, तो श्रवणी को थोड़ी ना हम ऐसे ही विदा कर देंगे। उसके आंचल में दुख और तिरस्कार बार बार के भेजेंगे, ताकि जब वो वहां जाए ना उसका हाल धोबी के कुत्ते के जैसे हो जाए, ना घर का ना घाट का। सच्ची लगाओ काम हो जाएगा ना? हे देवी मैया, हमारी बेटी और दामाद पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। वसुधा जी, आपने तो अपने बेटे को छोड़कर श्रवणी को अपनी बेटी बना लिया था, अब तो वो जा रही है, अब आपका क्या होगा? बेटियां तो अपने घर जाती ही हैं चंद्रा जी, इसमें चिंता की क्या बात? लेकिन ये बात आपको कैसे पता होगी? आपने तो अपनी बेटी की विदाई की ही नहीं ना, आप तो खुद ही दर दर की ठोकरें खा रही हैं और विदा होके हमारे यहाँ आई हैं। अरे कहाँ चले गए सबके सब? अरे घर में है कोई? अरे शिव जी, आप ये अचानक कैसे आना हुआ? अचानक नहीं आए हम, बहन जी कुछ सुनकर आए, सुना घर में चोरी हो गई। अरे ये सुनते ही हमारे तो होश उड़ गए, पूरे के पूरे 80 लाख चोरी हो गए। अब बताइए आप हमारा कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? हमें तो आज के आज पैसे चाहिए थे। सेठ जी सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कैसे हो जाएगा बताओ, कोई एक दो रुपए? पूरे 80 लाख है, 80 लाख।
उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? आपका सारा कर्जा सही समय पे लौटा दिया जाएगा। मानिए हमारी बात। देखिए बहनी, हम धंधे वाले लोग हैं, हमारा घर इसी से चलता है। देखिए मैं हम दोनों की भलाई की एक बात बताता हूँ, ठीक है? मेरे पैसे की वसूली और आपके नुकसान की भरपाई एक ही तरीके से हो सकती है, वो भी हमने समय व्यर्थ ना किया तो। क्या मतलब है आपका? मतलब साहब, घर की नीलामी। नीलामी? ये क्या बोल रहे हैं आप? नीलामी की क्या जरूरत है? हम बोल नहीं रहे, हम बता रहे हैं। बता कि घर की नीलामी तो करनी ही पड़ेगी। देखिए बोली लगाने वाले बहुत लोग तैयार हैं और बोली के लिए हम कागजात भी तैयार करके लाए। लेकिन सेठ जी, अभी अभी समय ही क्या हुआ है, थोड़ा सोच लीजिए इस बारे में। देखिए बहनी, क्या पता आपको चार पैसे अच्छे मिल जाए। आप सिर्फ तैयारी कीजिए, इस घर को साफ सुथरा चमका दीजिए। देखिए बहनी, 12 बजे कुछ लोग इसको देखने आने वाले हैं, उनको जितना अच्छा लगेगा उतनी अच्छी बोली लगेगी, और जितनी अच्छी बोली लगेगी उतना अच्छा पैसा मिलेगा। देखिए मुझे तो सिर्फ 80 लाख और उसमें से थोड़ा सा सूद काट के बाकी सब आपको दे दूंगा। आप सिर्फ भगवान को दुआ कीजिए कि बोली अच्छी लग जाए, बस। सही बात है, इतना बड़ा घर है तो 8-10 लाख रुपए तो ऊपर बचेंगे। वसुधा जी के लिए काम आ जाएंगे ना, पूरी जिंदगी हंसते हंसते कट जाएगी, काफी पैसे होंगे, आश्रम में रह लेंगी तो चली जाएगा। सेठ जी बस थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, थोड़ा समय और दे दीजिए। अरे बहन जी, समय देने से होगा क्या? कोई 1-2 रुपए नहीं, पूरे 80 लाख है। 80 लाख आप कहां से चुकाएंगे बताइए। बहन जी, हमने आपके घर के हालात के बारे में सब पता कर लिया है। आपका एक ही बेटा है, वो भी कोई काम नहीं करता, ऊपर से अलग भी हो गया, तो बताइए आप कहां से चुकाएंगे हमारा कर्जा? और हमें तो आज के आज ही चाहिए 80 लाख। सेठ जी, हमारे संबंधों के बारे में आप चिंता मत कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा परेशानी है ना, तो आप हिसाब कीजिए, महीने की किस्त बांधिए और निकलिए यहां से। किस्त किस्त बना दें, फिर हर महीने तुम्हारी चौखट के चक्कर काटे। देखिए बात को यहीं खत्म कीजिए, ठीक है? बोली लगाने वाले आ रहे, अब ज्यादा कोई बात मत बनाइए, अब बस नीलामी होगी नीलामी। सेठ जी, आप ज्यादा बोल रहे हैं, आपसे कहा ना कि हिसाब कीजिए और किस्त बांधिए। सुनो, कोई चालाकी और गुंडागर्दी करने के बारे में सोचना भी मत। बहुत पुरानी पहचान है हमारी पुलिस में, ज्यादा बकवास करी तो उठा के बंद करवा देंगे। हा? सेठ जी, लेकिन अभी कर्जा लिए तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अब ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, सारे कागजात हैं हमारे पास। सेठ जी देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अब हम आपको कोई समय नहीं दे सकते, हम सब काम अपने नियम अनुसार ही कर रहे हैं। अगर आपको नीलामी रुकवानी है तो आपके पास सिर्फ 1 रास्ता है, आज के आज हमारे पूरे के पूरे पैसे सूद समेत लौटा दीजिए, वरना नीलामी होकर रहेगी। आज इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा सेठ जी? बस बात खत्म। हम पहले ही कह रहे थे कि घर गिरवी मत रखो, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं। अब भुगतो। सेठ जी देखिए, हमारी आपसे इतनी अच्छी जान पहचान है। बस और कुछ नहीं सुनना,
12 बजे नीलामी होगी। और हाँ, कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। 12 बजे नीलामी। नमस्कार सेठी। सेठी परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। शर्फ नहीं बेटा, इतना पैसा कहाँ से आए? हम कैसे रोकेंगे नीलामी? क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप नीलामी करवाइए घर की, आप अपने लोग लाइए और उनको वहां पर बिठाइए, लेकिन आखिरी बोली हमारी बेटी लगाएगी। 82 लाख यार, 2-4 लाख और बढ़ाइए ना। 83 लाख, अब इससे ज्यादा इस हवेली की कोई बोली लगा ही नहीं सकता। 85 लाख। 85 लाख है? 85 लाख दो। 85 लाख। 1 करोड़। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।